आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 5 टिप्स जो आपके मैथ सब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे आपके लिए। तो अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करोगे आपको मैथ सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगेगा। तो अगर आपको वो 5 टिप्स जानने हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि मैं आज की वीडियो में 5 टिप्स बताने वाले विच विल मेक यू फील एज द मैथ्स इज इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो सबसे पहला टिप ये है कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसके फिगर को समझो, ना कि डायरेक्टली आप देख लेते हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, राइट? तो इसको कैसे समझना है, कैसे बाय गिविंग एन एग्जाम्पल मैं आप सभी को समझाऊँगी। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट दी एग्जाम्पल ऑन वर्ड्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट वन पॉइंट। तो इसको कोई टास्क ना दे करके मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ कि 2x+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये मैंने कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, वैसे समझ लेना। अभी इसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम सारे सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, आपको क्वेश्चन समझना होगा। इधर मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन, राइट? ये आपका सॉल्यूशन का फाइंड करना है कि 2x+5 = 0 है तो सॉल्यूशन यानी कि x का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्वेश्चन जो लिखा था उसको मैं डाउनवर्ड्स में लिख दूँ ताकि आपको यह ईजी लगे समझने में। तो 2x+5 = 0। तो अभी आपको क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, फाइंड द सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इन द क्वेश्चन। आप यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x+5 = 0, राइट? तो यहाँ पर आप देखो ये जो इक्वेशन उसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि वहाँ पे 0 कैसे आ गया, वहाँ पे 5 कैसे आ गया, 2x क्यों लिखा गया है। आपको वो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। राइट नाउ वैल्यू मीन्स व्हाट? वहाँ पे कोई नंबर होगा, आपको 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई नंबर होगा, तभी उसका वैल्यू वहाँ पे 0 आया, ठीक है? तो आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा। आई होप आपने फर्स्ट टिप समझ लिया होगा कि क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टूड करो कि वो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन, ठीक है? अब अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन यानी कि क्या, अब आपको समझना पड़ेगा। सेम और फर्स्ट, आपको लग रहा है फर्स्ट और सेकंड टिप तो सेम है, बट नहीं। फर्स्ट वाला टिप में आपको देखना है कि देखो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, ना कि वहाँ 0 है, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट टिप में दिया है कि अंडरस्टैंड करो। हाउ टू अंडरस्टैंड, यहाँ सॉल्यूशन के पीछे ब्रैकेट भी दिया है, कोई कोई एग्जाम में वो नहीं देता है, तो इसको समझना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन को भी, और क्वेश्चन को देख करके समझ करके पढ़ भी लिया। तो सब कुछ क्वेश्चन पे ही बेस होता है। ओके, सो नाउ वी कैन सी आवर थर्ड टिप। तो है योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको सभी को समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे है कि ये जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है वो क्या है। श्योर, वेरी गुड रिप्लाई। तो इसका आप आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। इट इज़ एन लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने 6th स्टैंडर्ड या फिर 7th में पढ़ा होगा। एंड इन ये तो मैं आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। शायद हो सकता है कि आपने पहला पढ़ा हो, तो मैं अपने में मान करके मैं बता रही हूँ। 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी स्टडी किया होगा। तो ऐसे ऐसे जो आपका स्टैंडर्ड में आप देखो, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया, ठीक है? उसका मीनिंग और वो सब समझाया। फिर उसके बाद आपको 1 वेरिएबल का बारे में बताया गया। नेक्स्ट इट वॉज टोल्ड अबाउट द 2 वेरिएबल, राइट?
तो ये एक होता है कि बेसिक आपको सबसे पहले समझ आया। अगर आपको लीनियर इक्वेशन का ही मीनिंग नहीं पता है तो आप ये सब कहाँ से सॉल्व कर पाओगे? अगर टू इक्वेशन में आ गया तो क्या होगा? दैट्स वॉट। ओके, सो इट्स क्वाइट ईजी। आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपने का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप अगर इसका आप ऐसे ही ऐड कर लोगे कि 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो साइड्स चेंज करने हैं, लेकिन साइड चेंज करने से पहले यहाँ पे 0 - 5 आएगा। अब इसको माइनस कैसे किया जाए? ऑफकोर्स इट इज सम हाउ एडिंग द इंटीजर्स, वैसा ही है। तो आपको वो फिफ्थ स्टैंडर्ड से पहले ही समझा दिया जाता है, लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो एक्चुअली वही मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो सिक्स स्टैंडर्ड से आपको पहले अब उसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इट इज़ गिवन दैट यू शुड नो द करेक्ट डेफिनेशन, राइट? इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये एग्जाम्पल छोड़ करके अगर आप समझ लो कि कोई एक चैप्टर आपके सब्जेक्ट में आया है, दैट इज़ अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आया तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, या फिर आप समझ लो ट्राइंगल के बारे में। अब आपको पता ही नहीं ट्राइंगल में क्या होता है, कितने होते हैं, वो सब, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे? सपोज वन क्वेश्चन वुड बी गिवन, जैसे कि वन मिनट, क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ओके, तो उसमें अच्छा छोड़ो वो एग्जांपल को छोड़ के अभी आप इस पे ही फोकस कर लो। अगर इसका इधर दिया हुआ है सॉल्यूशन फाइंड करने का, तो यहाँ पे आपको पहले लिनियर इक्वेशन का मीनिंग पहचान होना चाहिए, जो बेसिक का था। अब आप बोलोगे कि ये दोनों पॉइंट तो सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम था, ये दोनों सेम है, ये क्या हुआ? इट्स नॉट सेम। अगर आप उसको पहले समझोगे तभी आपको बेसिक्स उन पर स्ट्रांग, मतलब कि आपका जो सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था वो आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए, राइट? यू शुड नो द करेक्ट डेफिनेशन, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाया गया हो, राइट? ऐसा हो सकता है कि जो आपने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो बाद में आए ही ना आगे के चैप्टर्स में, पर ऐसा मोस्टली नहीं होता है। अगर आप टिक कर लो एग्जांपल, लेट्स टेक इट अनदर एग्जांपल, कि आपको ट्रायंगल के बारे में पहले नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो, तो आपको ट्रायंगल का मीनिंग यह होना चाहिए, ऑफकोर्स। ओके, तो ट्रायंगल का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको वो नहीं पता होगा तो कोई भी सम आप सॉल्व कर पाओगे? ऑफकोर्स नॉट। तो वो एक चीज़, सारे टिप्स में डिफरेंस है, एवरीथिंग रिलेटेबल टू द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन समझो उसके बारे में, अगर आपको पता है फुल फ्रॉम ए टू जेड, तो आप उसका आंसर ऑफकोर्स ईजी आपको लगेगा। नेक्स्ट इज गिवन दैट यू टू फाइंड आंसर इन क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा। कैसे? तो अभी आपको मैं ये सम के हेल्प से बताऊंगी। यहाँ पे दिया हुआ कि हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो इसमें यही दे दिया कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है द मेन थिंग। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया रहता तो भी आपको ये समझ जाते हैं सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें उसका फाइंड करना है, तो यू कैन राइट एज 2x + 5 इज इक्वल 0, ठीक है। अब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर आपको इंटीजर्स के मीनिंग पता है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो पता है, माइनस ऐड कैसे होता है, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, वो सब आपको अगर मैथमेटिकल्स के पता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ऑफकोर्स इफ नॉट देन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अभी क्वेश्चन में आंसर कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे एक्स हमें दिया हुआ, ठीक है, तो अभी इसको हमें पता है कि इसको हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, इसको हमें कुछ नहीं ध्यान देना, अभी एवरीथिंग इज रिलेटेबल टू द क्वेश्चन में यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2x जो है हमारे पास, उसमें 0 - 5 कर देंगे। क्यों? यहाँ पे
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होगा, यानी कि ऑपरेशन जो प्लस है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये सब जो है जो आपको समझ में आने चाहिए, इट्स क्वाइट टू मच इम्पॉर्टेंट। तो अब इसके आगे जो क्या करना है बहुत इजी है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि उनको ये टिप्स के बारे में नहीं पता रहता। तो यहाँ पे हम 0-5 हमारा -5 आता है, ये भी इंटीजर्स से रिलेटेबल करता है अगर आपको वो पता है तो। तो अब यहाँ पे हमारे पास x बचा। अगर आपको ये भी आता है कि जब यहाँ पे ऐसे हो तो 2 हमारा नीचे कैरी ओवर हो जाएगा, तो उस वे में हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। अब आंसर कैसे फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, कैसे 2x = 0-5 करना है, चेंज करना है डिग्री, दैट वी ऑलरेडी नो। अगर आपको उतना पता होगा ना, सीरियसली आई एम टेलिंग, कि आपका आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी फाइंड आंसर इन क्वेश्चन। अब अगर आपके पास आंसर जो भी निकला है, अब सपोज आपके के पास -5/2 आया है और किसी के पास 5/2 आया है, ठीक है। तो अभी जो x का वैल्यू इसमें है उस पे आपके आंसर्स डाल के देख लो। कुछ लोग ये टाइप करेंगे, कुछ लोग ये टाइप करेंगे। अगर आपने ये टाइप किया है, दिस इज़ अ करेक्ट, कैसे आप चेक करोगे? तो अभी मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ कैसे आप चेक करोगे कि वो आपका सही है। तो ये जो -5/2 है, आपको पता है ये x का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2-5/2 + 5 = 0। यार 2 कट हो जाएगा और -5 + 5 = 0, दैट्स अ करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन भी आंसर दिख गया, राइट? इट वॉज सो ईजी सम। अगर आपको ये 5 points, ये 5 tips के बारे में पता है, तो आप इजीली इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन के हो या फिर कोई डिफरेंट सम के हो। तो आज से मेरी ये वीडियोस कंटिन्यूसली आएगी, चाहे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हो या फिर टिप्स दे रही हूँ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो मैथ सब्जेक्ट आई टिपिकली फाउंड दैट मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आइदर बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ टिप वीडियो एंड इन विच आई वुड बी गिविंग टिप। बहुत सारे फिर भी अभी सोच रहे होंगे कि सारे टिप तो इक्वल ही थे, राइट? तो सारे टिप इक्वल बिल्कुल नहीं थे। जो मैं आपको फिर से बता दूँ, पहला टिप है आपको क्वेश्चन को देखना है। दूसरा टिप है अभी आपको समझना है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पहला देखना है, दूसरा समझना है। ऑफकोर्स बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोग तो क्वेश्चन देखते ही है। नो, आप उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हो, दैट्स वॉट। आप सिर्फ उसको रीड कर लेते हो, उसको देखते नहीं हो। आपको बस उसको समझना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। नो, अंडरस्टैंड मतलब कि समझो, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत बार ये नहीं होगा वैल्यू है, तो इसमें आपको क्या करोगे? बहुत लोग को अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुझे अभी बताओ कि जब फाइंड द सॉल्यूशन 2x + 5 = 0, तो आप क्या करोगे? तो ऑफकोर्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको उसको क्वेश्चन में देखना है कि सॉल्यूशन पूछ रहा है, मींस कुछ आंसर ज़रूर होगा। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। अब अंडरस्टैंड मैंने इसलिए लिखा है कि दूसरा पॉइंट अगर वो मेंशन दिया रहता है तो आप उसको पहले समझ लो कि अगर वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है तो ये तो बहुत ईजी हो गया। x को हम लोग कॉमन लेकर के कर सकते हैं। बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड नो द करेक्ट डेफिनेशन। ये दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। अब आपको लग रहा होगा इसमें कैसे डिफरेंस? तो इसका मीनिंग जो है कि आप जो 6th standard में पढ़ते हो वो आपको अभी तक समझ में आना चाहिए, तभी आप वो सम्स को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं तक 10th standard तक वो चलता रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, यानी कि अगर आपको 10th standard में न्यू चैप्टर आ गया अबाउट द क्वाड्रिलेटरल और कोई और भी चैप्टर जैसा, जो आपको बड़े स्टैंडर्ड में ही समझ में आएगा, बड़े स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है, तो आप क्या करोगे? तब तक बचपन में तो पढ़ा नहीं होगा, तो क्या करोगे? तो तब का जो डिफिनेशन गिवन बाई एनी वन, ऑफकोर्स योर क्लास में टीचर्स या फिर प्रिंसिपल है, जिससे भी आपको वो डिफिनेशन मिला है, दैट शुड बी द करेक्ट वन टू रीड इट आउट एंड लर्न इट।
अगर आपने वो लर्न कर लिया तो उस क्लास में आपको उस सम के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इन क्वेश्चन, ये तो बहुत डिफरेंट है और ये सबसे मेन है, सबसे मेन पॉइंट टिप यही है। सो दिस वॉज द वीडियो इन विच आई वॉज लिटरली वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस टिप्स एंड आई होप यू लाइक इट। If you really enjoy watching this video, please like the button and do subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon to receive all the notification. और एक और important announcement है कि अब से मेरी videos में try करूँगी regular होने का। And once again, happy छोटी दिवाली। तो आज की दिवाली के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ and thanks for watching this video.